नमस्कार। आज है 14 मई 2020 यानी कि वीरवार का दिन और आज हम आपको इस वीडियो में हरियाणा की खास खबरें बताने वाले हैं। टॉप्स हेडलाइंस के बारे में एक नज़र डालने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी इस यूट्यूब चैनल हरियाणा ही खबर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर तरह की खबरों की वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की जो पहली खबर है वो आ रही है हरियाणा में कोरोना मामलों को लेकर कि हरियाणा में 796 हुए कुल मरीज, एक दिन में 76 मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी, रिकवरी रेट में सुधार अब पहुंचा 52.71%। आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक 418 मरीज ठीक हो चुके हैं और उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि अब तक हरियाणा में 22 जिलों में 367 एक्टिव मरीज मौजूद है, जिनमें से कोई भी ज़िला अब कोरोना मुक्त नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है आपकी मेगा राहत पैकेज को लेकर कि इसका जो पहला ब्लूप्रिंट था वो तैयार कर लिया गया है और वित्त मंत्री के 15 ऐलान हुए हैं, जिनमें से एक है 15 लाख छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ का कर्ज, TDS में कल से 25% की कटौती, आयकर रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई। आपको बता देते हैं कि इस राहत पैकेज में 15,000 से कम सैलरी वालों को EPF देगी सरकार, TDS में 25% की कटौती की घोषणा भी की गई है। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगली खबर आ रही है आपकी देश सेवा का मौका को लेकर। तो आपको बता देते हैं कि 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे आम नागरिक, टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है सरकार। आपको बता दें कि इसमें अभी तक सबसे कम 10 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती होती थी, लेकिन अब युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक अच्छा खाका जो है वो तैयार किया गया है और इसका जो ऐलान है वो बहुत जल्द हो सकता है। तो अगली खबर आ रही है कि हाई कोर्ट का एक आदेश आया उसको लेकर कि प्री मैच्योर सजा माफ़ी की नीति में 3 महीने में सुधार करे हरियाणा सरकार। आपको बता दें कि अगली जो खबर आ रही है वो झज्जर से आ रही है कि झज्जर में फिर दिल्ली पुलिस का जवान मिला कोरोना पॉजिटिव और ये जो जवान था ये अहरी गांव का रहने वाला है। तो अगली खबर आ रही है आपकी पलवल से कि दूसरे राज्यों के 41 तबलीगी जमातियों को हथीन से बस में बैठा कर किया रवाना, क्वारंटाइन में थे ये तबलीगी जमात। उसके बाद अगली खबर आ रही है आपकी कुरुक्षेत्र से कि कुरुक्षेत्र से पंचकुला पथरी का ऑपरेशन करवाने गई थी महिला, अब वो भी मिली कोरोना पॉजिटिव। इसके बाद हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि 4-5 जुलाई के आसपास हो सकती है 10वीं और 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षा। तो अगली खबर आ रही है आपकी हरियाणा से ही कि लॉकडाउन फेज 3 का 11वां दिन मारुति में गुड़गांव प्लांट में 18 मई से शुरू होगा गाड़ियों का उत्पादन, प्रदेश में कल से गेहूं खरीद के 550 केंद्र रहेंगे बंद। अगली खबर आ रही है आपकी पानीपत से कि BDPO ने जांच में पद्मश्री अवार्ड नरेंद्र सिंह को 1,51,00,000 के विकास काम में धांधली का दोषी बताया। आपको बता दें कि BDPO जितेंद्र शर्मा ने पद्मश्री अवार्ड नरेंद्र सिंह और सरपंच गुरमीत सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। तो अगली खबर आ रही है आपकी मूवमेंट पास को लेकर कि इस मूवमेंट पास में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है कि टैक्सी चालक ने पिता की 4 बार मौत दिखाकर UP से हैदराबाद तक ढोई सवारी, और ये जो टैक्सी चालक है ये रोहतक का रहने वाला है और अब तक ये 7 बार सवारियाँ भी ले जा चुका है। ऐसे ही मौत के नाम पर यात्रा करने वाले 4 और लोगों की होगी जांच। आपको बता दें कि अगली जो खबर आ रही है वो यमुनानगर से आ रही है कि प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाले प्रवासी मजदूर ने फांसी का लगाया फंदा, साथी बोले पैसे खत्म होने पर उठाया था ये कदम। आपको बता दें कि मृतक के साथियों का कहना था कि उसके बाद काम नहीं था और उसके पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए थे। ये जो मृतक है ये उड़ीसा राज्य का रहने वाला था। आपको बता दें कि इसने केवल और केवल काम ना मिलने और पैसे खत्म होने की वजह से ही ये कदम उठाया है। अगली जो खबर आ रही है वो आपकी घोषणाओं का जो ये पहला दिन है उसको लेकर आ रही है कि बिना गारंटी के मिलेगा लोन, 72 लाख कर्मचारियों को EPF में मिली है राहत। आपको बता दें अगली जो खबर आ रही है वो कोरोना वायरस को लेकर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कोट और लंबा गाउन न पहने वकील, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का।
तो आज ये थी 14 मई 2020 की तमाम खबरें जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।